Hey, what's up everyone? Welcome back to our magician and आज हम लोग बात करेंगे झारखंड बी एस सी नर्सिंग के एडमिट कार्ड के बारे में कि एडमिट कार्ड हम लोग को कब देखने को मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके मतलब कि क्या कह सकते हैं मैसेज करा था दैट कि एडमिट कब कार्ड कब आने वाला है एंड कैसे हम लोग डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो एडमिट कार्ड हम लोग को ना एडमिट कार्ड के सेक्शन में ही देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है एडमिट कार्ड करके एक सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, ये एडमिट कार्ड यहाँ पर हम लोग को क्लिक करने होते हैं एंड देन डाउनलोड करने का ऑप्शन हम लोग को देखने को मिलता है। बट उससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि झारखंड बीएससी नर्सिंग की दो टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो चुके हैं एंड जो तीसरा टेस्ट सीरीज है वो 14 को है। ठीक है, 14 ऑफ जून। ठीक है, तो तीसरा टेस्ट सीरीज 14 जून को है और ये जो टेस्ट सीरीज है काफ़ी रिलेवेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ सैम्पल क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की भी चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन इस तरीके से दिखाई दे रहा है, फिर अगर हम लोग डाउन साइड जाते हैं ना तो और भी क्वेश्चन जो है वो रिलेवेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम के। तो ठीक है, ये सब क्वेश्चन अगर आप क्रिएट कर लेते हो एंड ये सब क्वेश्चन अगर आप इजीली अटैम्प्ट कर लेते हो ना देन रियली ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में। ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि एडमिट कार्ड कब देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप एडमिट कार्ड के सेक्शन में जाओगे ना तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख रहा है डिप्लोमा का, फिर इंजीनियरिंग का, फिर पॉलीटेक्निक का और बीएड का। ठीक है, बट यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का ऑप्शन नहीं आया है। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है और कब आएगा ये वो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो एडमिट कार्ड है ना वो एग्ज़ाम के 2 से 3 दिन पहले देखने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि एग्ज़ाम 18 तारीख को है तो आपको 15 या फिर 16 तारीख को आपका एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। ये आपके ईमेल आईडी या फिर आपके फ़ोन नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, आपको खुद से डाउनलोड करना पड़ेगा और उस एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा आपका आपका एग्ज़ाम सेंटर लोकेशन और एग्जामिनेशन सेंटर एंड लोकेशन एंड आपके सारे पर्सनल डिटेल। ठीक है, तो वो एडमिट कार्ड कंपलसरी होगा आपको एग्ज़ाम के लिए। विदाउट दिस आपका क्या कहते हैं एंट्री नहीं होगा एग्ज़ाम सेंटर में, तो एडमिट कार्ड को लेके जरूर जाइएगा। ठीक है, तो यस ये था डेट दैट कि आपका एग्ज़ाम कब एडमिट कार्ड कब होने वाला है या फिर कब आने वाला है, तो एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।